नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। भारत सरकार की तरफ से दोस्तों ये जियो आया है, जियो अर्थात गवर्नमेंट ऑर्डर, और उत्तर प्रदेश में भी ये लागू होने जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों कि राशन कार्ड किन किन लोगों के निरस्त किए जाएंगे आने वाले समय में। कई सारी कंडीशन दोस्तों यहाँ पर बताई गई हैं, काफ़ी अच्छी न्यूज है। इसे अच्छी न्यूज तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन न्यूज जैसी भी है आपको ये समझनी होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जनपद में प्रचलित अंत्योदय के राशन कार्ड लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि अंत्योदय राशन कार्ड कार्ड धारक ऐसे समस्त परिवार जिनके पास मोटरसाइकिल, पक्का मकान, कृषि योग्य भूमि, रंगीन टीवी, कोई निश्चित व्यवसाय आदि है, वह अपात्र हैं। अब आप समझने की कोशिश करो दोस्तों, सरकार यहाँ ये कह रही है कि किसी के पास मोटरसाइकिल, पक्का मकान, कृषि योग्य भूमि, रंगीन टीवी, इनमें से अगर कोई चीज़ किसी व्यक्ति के पास है तो उसका राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, आज के टाइम में कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, है ना? तो आप समझिए, कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पक्का मकान नहीं है? सरकार क्या चाहती है कि झोंपड़ी में रहें लोग, है ना? कौन व्यक्ति ऐसा है कि जिसके घर पर टीवी ना हो? अब ब्लैक एंड वाइट टीवी तो कोई चलाता नहीं है, सीधी बात यह है कि रंगीन टीवी होगी उसके घर में होगी तो, है ना? इस हिसाब से अगर सोचा जाए तो एक गांव में दोस्तों 10 से 15 ही राशन कार्ड बचेंगे, बाकी सभी लोगों के राशन कार्ड खत्म कर दिए जाएंगे अगर ये वाला रूल ये लागू करेंगे तो। मोटरसाइकिल एक बहुत कॉमन चीज़ है दोस्तों, साइकिल को रिप्लेस करके हर आदमी ने मोटरसाइकिल ले ली, जैसे छोटी मोटरसाइकिल है या बड़ी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल हर व्यक्ति के नाम पर, हर व्यक्ति के घर पर आज एक मोटरसाइकिल है। पक्का मकान यानी ईंटों का मकान बना हुआ सभी का, जो ईंटों का मकान बनाता है वो लेंटर वगैरह भी डाल के अपने मकान को बनाता है अच्छे से। इस तरीके से अगर दोस्तों देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक गांव में 10 से 15 ही राशन कार्ड रह जाएंगे, बाकी राशन कार्डों को खत्म किया जाएगा। अच्छा, फिर ये बता रहे हैं कि अगर उन लोगों ने अपने राशन कार्ड एक सप्ते में निरस्त अर्थात सरेंडर नहीं किए तो उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और अगर वो राशन ले रहे हैं तो उनसे गेहूं का जो मार्केट प्राइस 24 रुपए चल रहा है उसके हिसाब से, और गेहूं चावल का जो मार्केट रेट चल रहा है 32 रुपए उसके हिसाब से उनसे उगाही की जाएगी, और उसके बाद उनके खिलाफ FIR करके उनको जेल भी भेजा जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत इसमें एक प्रावधान किया गया है सजा का, ठीक है ना? ऐसी कंडीशन दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में लागू की है, इसके लिए अभी थोड़ा समय दिया गया है। आप यहाँ डेट मेंशन देख रहे होंगे, 14 मई को ये जियो लागू किया गया है, यानी कि सभी राज्यों को भारत सरकार ने इत्तला कर दिया है कि आप लोग अपने अपने राज्यों में ये स्कीम लागू करो। आप जिस तरह की शर्तें दोस्तों ये लगा रहे हैं, ये शर्तें बहुत हद तक गाँव के लिए फेवर में नहीं है। अगर आपको शर्त लगानी है तो पहली शर्त आप रख सकते हो कि जिसके परिवार में से कोई भी सरकारी नौकरी पर है उसको दोस्तों राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा, एक शर्त ये हो सकती थी। दूसरी शर्त ये हो सकती थी कि जिसके पास एक हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है उसका राशन कार्ड हम कैंसिल कर देंगे। दूसरा कारण ये हो सकता था कि प्राइवेट जॉब, अर्थात प्राइवेट जॉब का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति ठीक ठाक सैलरी प्राइवेट सेक्टर में पा रहा है, जैसे कि आप देखते होंगे MNC वगैरह में कोई जॉब कर रहा है, उस व्यक्ति का राशन कार्ड हम कैंसिल करेंगे। ये जो वाजिब शर्तें हैं ये होती दोस्तों तो बात समझ में आती, इतनी छोटी छोटी सी बातों पे लेकर के एक गरीब आदमी राशन कार्ड, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे राशन कार्ड इनवैलिड चल रहे हैं भारत में, है ना? बहुत सारे लोग जो राशन कार्ड लेने के लिए नहीं है लेकिन फिर भी वो राशन कार्ड रख रहे हैं, उन लोगों के राशन कार्ड सरकार जांच करा के उनके राशन कार्ड कैंसिल करा दे। लेकिन उस आदमी का राशन कार्ड, अरे आज एक मजदूर के पास भी मोटरसाइकिल है ना, तो मजदूर पे मोटरसाइकिल है उसकी वजह से आप उसका राशन कार्ड कैंसिल कर दोगे, है ना? हर आदमी के पास एक पक्का मकान है, पक्का मकान तो सरकार खुद बना के दे रही कि भैया हम कच्चे मकान दो ना बना के उसको। अरे सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी तो पक्का मकान दे रही है ना, तो कच्चा मकान बना के दो उसे, है ना? जिससे कि वो राशन का तो फायदा ले सकेगा, आपने पक्का मकान दे दिया, राशन नहीं देंगे आप, क्यों? क्योंकि आप उसके पास पक्का मकान है, है ना? उसने अपने घर में टीवी लगा ली तो आप उसे राशन नहीं देंगे क्योंकि भाई आपके घर में टीवी है। ये कोई शर्तें होती हैं, आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों, और इसी आधार पर कमेंट्स करके बताइए कि ये लागू होना जरूरी है या फिर इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए, है ना? ये लागू दोस्तों अभी भारत में इसकी जरूरत नहीं है, आने वाले 10 से 15 सालों तक दोस्तों इसे लागू करने की कोई भी जरूरत नहीं। जिन लोगों के पास अवैध रूप से, मतलब जो नहीं है वैलिड राशन कार्ड के लिए, उनके राशन कार्ड आप छीन लो, कोई दिक्कत नहीं, निरस्त कर दो उनके लाइसेंस, है ना? बिल्कुल राशन कार्ड खत्म कर दो उनके। लेकिन अभी तक दोस्तों जो बिल्कुल ग्रामीण तबका है, 10 से 15 साल दोस्तों इस चीज़ की कोई जरूरत नहीं। जब इंडिया डेवलप हो जाए आगे चल के, तब इस चीज़ों पर दोस्तों काम किया जाए, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। आने वाले समय तुम कह दो कि जो आदमी मोबाइल चला रहा है उसको हम राशन नहीं देंगे, है ना? तो ये चीज़ें दोस्तों बहुत हद तक खराब हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में,
कमेंट्स करके बताइए। मेरे हिसाब से दोस्तों ये योजना बिल्कुल लागू अभी उत्तर प्रदेश में होने की कंडीशन में, उत्तर प्रदेश नहीं, जब तक पर कैपिटा इनकम आदमी की नहीं हो जाएगी ठीक ठाक तब तक दोस्तों ये लागू नहीं होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम आप देखेंगे 110 120 रुपए हमारी निकल के आती है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश बिहार सबसे ज़्यादा गरीब राज्यों में गिने जाते हैं पूरी दुनिया और पूरे भारत में, है ना। ऐसी कंडीशन में उत्तर प्रदेश में ये लागू करना दोस्तों बहुत हद तक गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट्स करके मैं जरूर बताएं। मिलेंगे आप लोगों से अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।